सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज आयुष एंड आज मेरे साथ में ह्यूंडई की एल्गजार और किया की कैरेंस, इन दोनों ही गाड़ियों की अपन ड्रैग रेस करने वाले हैं। खाली स्ट्रेच है, कोई नहीं आता जाता है यहाँ पर। तो आपको बता दूं कि ये 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ में मैनुअल वर्जन है, ये 2 लीटर इंजन के साथ में पेट्रोल का और मैनुअल वर्जन है। अब डेफिनेटली आप लोगों को लगेगा 1.4 और 2 लीटर की ड्रैग रेस क्यों करवा रहे हैं, तो डेफिनेटली टॉप मॉडल जो आता है पेट्रोल के अंदर वो इंजन यूज़ करा है और यहाँ पर भी जो टर्बो चार्ज आता है वो यूज़ करा है। एक बार जस्ट फॉर मस्ती के लिए एक बार करवा के देखते हैं कि कौन सी गाड़ी कितने जल्दी जो है वो आगे निकल पाती है। पहले मैं अभी ये चला रहा हूँ और उसके बाद में मैं उसको चलाऊंगा, 3 राउंड करेंगे और देखेंगे कौन सी गाड़ी जीतती है। वी आर रेडी। चलो तो पीछे से भी आपको शॉर्ट जो है वो मिल जाएंगे। एसी जो है मैं बंद कर देता हूँ। रेडी, चलो चलते हैं। ओके, मैं बजाऊं? ठीक है। तो बहुत पीछे छोड़ दिया मैंने उसको, एल्गजार को। पता नहीं वो लॉन्च नहीं हुई क्या हुआ, कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी। ये लॉन्च नहीं हुई थी क्या ढंग से? लॉन्च नहीं होती है। अच्छा, होती नहीं है? मतलब उतने अच्छे से लॉन्च नहीं होती है। क्यों? पता नहीं क्यों। एक बार फिर से करते हैं। चल, यहाँ से फिर वो टर्न है? नहीं है, आ जाएगा, हो जाएगा। चलो करते हैं। वो पता नहीं क्यों लॉन्च ही नहीं हो रही है। हंड्रेड क्रॉस्ड। अब एक बार टर्न लेके देखता हूँ मैं चला के एक बार कि कैसी जो वाइब्स हैं वो उसमें आती है। आगे लेके टर्न लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस जो है वो मिल जाएगा। एक बार हाँ चेंज करते हैं। एल्गजार 2 लीटर क्यों नहीं भाग पा रहा है? ये वही है क्या, मतलब अपना वो चलता नहीं आगे एकदम स्पीड में? और अब बाप रे, सही जगह है, मतलब एकदम ऐसा लग रहा है किसी बहुत ज़्यादा प्रीमियम गाड़ी में आ गया हूँ। हाँ बजा लो। सर ने भी एसी तो ऑफ रखा था। अरे खत्म है, आ रही है। हाँ 3 हॉर्न बजा के और लॉन्च कर देना है, आप बजाना हॉर्न। तो भैया जो है वो चला रहे हैं। वो कुछ तो लॉन्चिंग का पंगा ही, ये खतरनाक भाग रही है, कोई टक्कर भी नहीं है इसके। अरे बहुत बढ़िया, ये हो गई 100 क्रॉस्ड। ये फर्स्ट में जो इसका पुल नहीं आता है और वो जो है आगे निकल जाती है, बट नो डाउट 100 की बात है, 100 पे भी वो आगे निकली है। तो अगेन काफी बढ़िया लॉन्चिंग जो है वो करी है सर ने और मज़ा आया कि गाड़ी जो है इससे वो आगे निकली है देखने में। अब यहाँ से एक बार मैं कर चलाता हूँ कैरेंस और सर को बोलता हूँ कि वो चलाएंगे एल्गजार, तो पता चलेगा कि एल्गजार कैसी चलती है। तो दोनों में रिजल्ट तो यही रहा कि कैरेंस जीत रही है आगे। ये सच्चाई है, कैरेंस जीत रही है, शुरू में भी यही हुआ था। हाँ एक बार ये वापस से करके देखते हैं, मैं चला के देखता हूँ एक बार अब इसको और लेट्स सी होता है क्या। बट नो डाउट बराबर में खड़ी करते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जो ये इंजन है वो इनिशियल पुल काफी बढ़िया देता है। ओह माय गॉड, क्या इंजन है ये, गजब कमाल। एल्गजार बहुत पीछे,
सेकंड पे गियर में ये 100 नहीं जाती, खैर वो 100 हो गई थी, बट ये तो ऑलमोस्ट 100 से आगे बहुत आगे निकल गई है। तो अलग लेवल का मज़ा है इसको चलाने में और काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी वाइब्स आती है। अगर वो लॉन्ग रेस की बात करेंगे तो डेफिनेटली वो जीत जाएगी, बट यहाँ पर जो है ये गाड़ी कम्प्लीटली विनर है, तीनों राउंड में ये गाड़ी जीती है, चाहे सर ने चलाई है या मैंने चलाई है। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और 2 लीटर इंजन होने के बाद में भी ज़्यादा पावर है उसमें, फिर भी जो है लाइक जो बोल सकते हैं ना कि वर्डिक्ट रहा है या जो बोल सकते हैं कि रिजल्ट आया, तो वो रिजल्ट यही है कि कैरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो कैरेंस जो है वो कम्प्लीटली आगे निकल रही है, बस ये फर्स्ट गियर में जो है वो उठ नहीं रही है प्रॉपर तरीके से। ये थर्ड गियर में इसका परफॉर्मेंस सेकंड में आ जाता है, फर्स्ट में मतलब लेकिन वो रुक जाती है टर्बो के लिए, वेट करती है, वो 98 तक रह जाती है और ये सेकंड में 100 कर जाती है बिल्कुल। तो लॉन्ग रस अगर जब लॉन्ग रन पे करेंगे तो डेफिनेटली एल्कज़ार आगे निकलेगी, बट 0 to 100 में 100 के ऊपर करेंगे तो ये जीतेगी, वही अभी तक 100 तक तो वो जीती है। तो ये है आंसर और दैट्स ऑल आज की वीडियो में, सिर्फ इतना ही। कैसी लगी दोनों गाड़ियां आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हां फ्रेंड्स, ड्राइव सेफ, राइड सेफ।